तो मैं अक्सर कहना हूँ कि कलाकार ते लीडर इन्हों का जो भविख हों लोगों डिपेंडेंट होंगे। लोग दसते हैं कि उन्होंने की फैसला करना। सो बतौर एक कलाकार जो मैं कह मैं तो स्क्रीन प्ले के एंगल तो भी देखा, क्वालिटी एंगल तो भी देखा, तो एक बहुत क्वालिटी मूवी सिचुएशनल कॉमेडी ये जी है दिखाई गई है। सारे आर्टिस्टा ने बहुत अच्छा काम किया है। आर्टिस्ट छोटा बड़ा नहीं होंदा, क्योंकि कला जी है वो कितों मुल नहीं मिलती, कला परमात्मा दिंदा। सो मैं सारी टीम नू बिन्नू होरी ने गिप्पी है और जिन्ने भी फिल्म दे विच आर्टिस्टा ने काम किया है रोल किया भावें छोटा जिहा रोल ही होवे सारे नू बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदा। पर एक सूबे का मुख्यमंत्री होने के नाते एक स्टेट का हैड होने के नाते मैं एक होर एंगल तो भी देख रहा सीगा कि सारी मूवी जिहड़ी है वो लंदन च इंग्लैंड च शूट हुई है। तो मैं चाहना कि ये लंदन के सैट जिहड़े ने इंग्लैंड के सैट जिहड़े ने साडे पंजाब च लग जाण, एक फिल्म सिटी बन जाए जिथे कोई भी किसी भी देश का सैट लाना है जो कहानी डिमांड करती है तो वह इत्थे ही लग जाए। सो क्योंकि उत्थे सबसिडी मिलती है इंग्लैंड दे विच शूटिंग करन, सो असी उन्हूं मैच करांगे। मैं उस एंगल तो भी मूवी देखी है कि असी सारिया साडे नॉट ओनली पंजाबी मूवीज साडिया बॉलीवुड दी मूवीज भी इत्थे शूट होण और फिल्म इत्थे शूट होण आवे ते इत्थों पोस्ट प्रोडक्शन होके रिलीज़ होने तक का काम जिहड़ा वो इत्थे होवे। साडा फिल्म सिटी का जिहड़ा प्रोजैक्ट है उन्हूं असी हुण फाइनल जिहड़े टचस दे रहे हैं। ये जिहड़ा अनटच पंजाब है इत्थों जे आपां तुरजीए आ जिहड़ा शिवालिक दीआं पहाड़ियाँ अगे रोपड़ तो अगे नंगल अगे रणजीत सागर डैम तक जिथे एक पासे जिहड़ा पहाड़ ने दूजे पासे पापूलर ग्रीनरी है और इन्ना ग्रीन पानी इन्ना हरे रंग का पानी कितने है ही नहीं होर जिहड़ा रणजीत सागर डैम जां धार कलां जां होर कितने साडे, क्योंकि बॉलीवुड दीआं मूवीज़ भी जिहड़ियां ने उन्हां दी भी कहानी लगभग 80-90% पंजाबी ही होंदी है, बिल्कुल ही पंजाबी बेस्ड ही होंदियां ने। सो शूटिंग इत्थे करके जांदे आ उह। सो असीं चाहुंदे आ कि शूटिंग भी होवे, पोस्ट प्रोडक्शन भी इत्थे होवे ते फिल्म रिलीज़ होण तक इत्थे आउण ते साडे को स्टार और जिन्ने भी आर्टिस्ट ने जिहड़े लोकल आर्टिस्ट उन्हां नूं काम मिलेगा, बहुत सारे होर लोगों काम मिलेगा। सो मैं उस एंगल तो भी मूवी देख रहा सीगा कि सारी मूवी लंदन च हुई है। पर हाँ अगली बार इन्हां नूं कह रही हूँ जट्टा 4, 5, 6 शूट करने वास्ते जे लंदन का सैट लाना तो इन्हां नूं लंदन इत्थे ही दिखा देंगे, जे वैनकूवर का लाना तो वैनकूवर इत्थे दिखा देंगे। सो असी इंडस्ट्री नूं प्रमोट करन लई खास तौर पर टूरिज़म नूं प्रमोट करन लई असी बहुत हर रोज़ कोई ना कोई फैसले लै रहे हैं। अज भी मैं टूरिज्म की मीटिंग लेके आया। सो एक बार फिर मैं सारी टीम नू और जिन्हें भी पोस्ट प्रोडक्शन वाले ने और डायरेक्टर साहब समीत कांग जी और जिन्हें भी पर्दे के पिछे वाले ने उन्होंने मैं बहुत बहुत बधाई दिना और पंजाबी इंडस्ट्री जेडे बूस्ट होगी, पंजाबी इंडस्ट्री जो उपर जाऊगी तो जोड़ा रेवन्यू भी आऊगा स गौरमेंट न आर्टिस्टा भी काम मिलेगा। बहुत सारी कला जी है वो साढ़े पिंड हजे भी अणगौली पई है। सो बहुत सारिया मूविया राही जे आर्टिस्ट अगे बहर आने तो असं कहने कि साढ़े जोड़े पंजाब के कला के खेत्र बहुत अगे है। अज बॉलीवुड के भी पंजाबी आर्टिस्ट ने वो राज कपूर वेले तो लैके धर्मिंदर वेले तो लैके सो बॉलीवुड से भी पंजाबी राज करते, बॉलीवुड तो पंजाबियों का राज है। सो गिप्पी होर सारी टीम में बहुत बहुत थैंक यू। मैं क्योंकि मेरी टीम बिन्नू हो गया जिन्नी भी टीम है लगभग जुगनू के कट्ठे रहे हैं, जुगनू वेले असी बहुत सारा काम कट्ठिया ने किया। सो मैं जिवें कहा कि मैं एक स्क्रीन प्ले के एंगल तो भी देख रहा, एक स्टोरी के एंगल तो भी देख रहा सी, नाल जिहड़ा राइटर ने जिस तरीके लिखा और किस तरीके सिचुएशनल कॉमेडी जिहड़ी क्रिएट की वह बहुत वधिया। सो मैनू एज ए कलाकार मैनू बहुत वधिया मूवी लगी।
बाकी वो कहें कि जिमें मैं कहा कि कलाकार ते जिहड़ा लीडर है पॉलिटिशियन है उहदा फैसला लोग करते अज मैं लगता गिप्पी होरां लई खास तौर पर क्योंकि प्रोड्यूसर भी यही है गिप्पी होरां लई खास तौर पर दिन वह है जिहड़ा इलैक्शन हो जाती है गिणती तो पहलां वाली रात जिहड़ी है वो लगाउणी बहुत औखी हो जाती है सवेर नूं रिजल्ट।